हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर्स हाई ईल्ड। तो हमें बताना है क्रॉप प्रोडक्शन के मेथड को। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है फसल को उगाना। तो ऐसा मेथड बताना है फसल को उगाने का जिससे हमें ये पता लग जाए कि ईल्ड बहुत अच्छी आएगी। ईल्ड का मतलब है उपज, मतलब बहुत अच्छी फसल होगी। ऐसा कौन सा क्रॉप का मेथड है उगाने का? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन दैट इंश्योर हाई ईल्ड। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आप साल में 2 या 3 क्रॉप्स उगाएं एक लैंड पे। तो उसमें एक बार सपोज करिए कि आपने गेहूं उगा दिया, फिर आपने दालें उगा दी, और फिर उसके बाद आपने राइस उगा दिया, या फिर 2 बार उगाई फसल, एक बार गेहूं, एक बार राइस, ऐसे करके। इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं, क्रॉप को घुमाते रहना। सालों तक एक ही फसल अगर उगाई जाती है ना लैंड पर, तो उससे ज़मीन ख़राब होने लगती है। तो क्रॉप रोटेशन एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे ईल्ड अच्छी आती है। इट इज़ मेथड ऑफ ग्रोइंग 2 or more वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन सीक्वेंशियल सीजन्स। मतलब वो होते हैं ना, महीने होते हैं, अलग अलग सीजन्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे जो मैंने आपको समझाया था कि अलग अलग फसलें उगाई जाएँ सेम लैंड पे। अ क्रॉप यूटिलाइजेज सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम द सॉइल, देन इफ़ द सेम क्रॉप इज़ ग्रोन इन सब्सिक्वेंट सीजन्स दोज न्यूट्रिएंट विल गेट डिप्लीटेड इन द सॉइल। तो देखिए, अगर आप एक ही तरीके की फसल उगाते रहेंगे एक ज़मीन पर, तो वो हर क्रॉप का होता है कि कोई क्रॉप जो है ना, जैसे सपोज करिए वीट है, एग्जांपल के लिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो सपोज करिए वो ज़मीन में से ना पोटेशियम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, और कैल्शियम ज़्यादा ले रहा है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है। तो आपने 4 महीने की फसल उगाई गेहूं की, तो पोटेशियम और कैल्शियम उस एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो एक फसल का एग्जांपल है कि वो ये न्यूट्रिएंट ले रहा है। अगले 4 महीने बाद भी अगर आप गेहूं ही उगा देंगे तो वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट तो कम हो जाएंगे ज़मीन में। तो इसलिए क्या होता है ना, अलग अलग फसल उगाई जाती हैं, क्योंकि अलग अलग फसल अलग अलग न्यूट्रिएंट लेती है ज़मीन में से, तो दूसरी वाली फसल के लिए न्यूट्रिएंट सेव रह जाते हैं। Therefore, crops having different nutrient requirement are rotated. तो हर क्रॉप जिसकी अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, जिनको बढ़ने के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो उगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, लेगुमिनस जो होता है ना, लेगुमिनस विच हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स सप्लाई सॉइल विद नाइट्रोजन। तो देखिए, जो वो होती है ना हमारी दालें, वो लेगुमिनस क्रॉप्स होती हैं। वो क्या करती हैं, ज़मीन में नाइट्रोजन को प्रोवाइड करती हैं, मतलब दालें ज़मीन को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती हैं। उससे क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी नहीं होती ज़मीन में, फिर अगली फसल और अच्छे से उगती है। तो लेग्यूमिनस विच हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल, मतलब उनकी जो रूट होती हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, और वो सॉइल को नाइट्रोजन देती हैं। देयरफॉर दीज लेग्यूम्स आर रोटेटेड विद नाइट्रोजन रिक्वायरिंग सीरियल्स सच एज वीट एंड मेज। तो देखिए, दाल नाइट्रोजन देती हैं ज़मीन को, तो और जिन फसलों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जैसे कि वीट, गेहूं और मेज़, मक्का, इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो पहले आपने दालें लगा दी, उसके बाद वीट लगा दिया, तो इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। इससे क्या होता है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट जिस चीज़ इस फसल को होती है, वो उसकी पूरी हो जाती है। दिस मेथड रिड्यूसेस नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स देयर बाय इंक्रीजिंग ओवरऑल ईल्ड ऑफ सॉइल। तो इस मेथड से क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उनकी कमी, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, मेनली नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, और अगर हम दाल लगा देंगे, लेगुमिनस क्रॉप्स लगा देंगे, तो अगली फसल अच्छे से उग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड्स। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं ये देखेंगे, और ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं खेतों में। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन फील्ड टू एनरिच सॉइल विद रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट। सॉइल को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, मतलब जिन न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए
सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं। मैन्योर हेल्प इन इंश्योरिंग सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो मैन्योर हेल्प करता है सॉइल को ये देने के लिए, मतलब ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स जो है मैन्योर प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनिक मैटर होता है जो भी चीज़ें फसल को उगने के लिए ज़रूरत होती हैं और जो चीज़ें सड़ जाती हैं, सड़ने के बाद वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं। तो मैन्योर क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट देता है। दिस इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। तो मैन्योर क्या है, फसल ना अच्छे से उगती है, अच्छी उपज आती है फसल की, और मिट्टी की आप समझ लीजिए हेल्थ सुधार देता है मैन्योर। ऑन द अदर हैंड फर्टिलाइज़र इंश्योर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। फर्टिलाइज़र क्या करते हैं कि प्लांट हेल्दी रहें, बीमारियां ना लगें, अच्छे से उगें, ये काम होता है फर्टिलाइज़र्स का। दे आर गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। टू गेट ऑप्टिमम यील्ड इट इज़ इंस्ट्रक्टेड टू यूज़ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इन द सॉइल। ऑप्टिमम यील्ड का मतलब बहुत अच्छी उपज के लिए, अच्छी फसल उगे इसके लिए जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र है ना वो सही मात्रा में डालने चाहिए। और मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या क्या होता है? इनमें होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है जो कि किसी फसल को चाहिए होती है बढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं इंटरक्रॉपिंग के और क्रॉप रोटेशन के? क्रॉप रोटेशन हमने पहले क्वेश्चन में भी देख लिया फर्स्ट में, कि एक ही लैंड पर साल में अलग अलग फसल उगाना, 4 महीने के लिए गेहूँ, फिर 2 महीने के लिए दाल, फिर मक्का, ऐसे करके, वो क्रॉप रोटेशन होता है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही टाइम पर एक लैंड में अलग अलग फसल उगाना, मतलब एक लैंड में आपने एक लेयर में तो दाल उगा दी, दूसरी लेयर में सपोज करिए आपने सब्जी उगा दी, ये होती है इंटरक्रॉपिंग। तो देखिए आंसर देखते देते हैं, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन बोथ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। तो क्रॉप की यील्ड बढ़ जाती है, क्रॉप की उपज बढ़ जाती है, ज़्यादा फसल उगती है इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन करने से। इंटरक्रॉपिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग पेस्ट एंड डिसीजेस टू स्प्रेड थ्रू आउट द फील्ड। तो इंटरक्रॉपिंग से क्या मदद मिलती है हमें? पेस्ट, कीड़े और बीमारियाँ फसल को नहीं लगती। इट ऑल्सो इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी। और क्रॉप इंटरक्रॉपिंग से सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। फर्टिलिटी बढ़ने का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे ज़्यादा अच्छे से फसल उग सकती है। वेयर इज क्रॉप रोटेशन प्रिवेंट सॉइल डिप्लीशन, इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। और क्रॉप रोटेशन से क्या होता है? सॉइल डिप्लीशन नहीं होता, सॉइल ख़राब नहीं होती, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और रिड्यूस होता है सॉइल इरोजन। इरोजन का क्या मतलब होता है? इरोजन का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, उसकी टॉप लेयर उड़ जाना। तो सॉइल की अच्छी फर्टाइल टॉप लेयर नहीं उड़ती है, बची रहती है क्रॉप रोटेशन से। तो बोथ ऑफ दीज मेथड रिड्यूस नीड फॉर फर्टिलाइज़र। ये दोनों मेथड क्रॉप इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत को ये कम कर देते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वीड्स एंड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पैथोजन्स एंड पेस्ट इन क्रॉप्स। और ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में वीड्स की ग्रोथ को। वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनकी हम लोगों को ज़मीन पर ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम वीड कहते हैं। और इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन हमें हेल्प करता है कंट्रोल करने में पैथोजन्स की ग्रोथ को और पेस्ट इन क्रॉप्स। तो पैथोजन और पेस्ट जो है ना, ये ऐसे कीड़े होते हैं जो क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं, क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन से वीड्स की भी ग्रोथ नहीं होती और पैथोजन और पेस्ट भी ग्रो नहीं करते हैं। तो पैथोजन पेस्ट कीड़े होते हैं और वीड्स जो हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, घास और फालतू के प्लांट्स। तो ये हो गया एडवांटेजेस क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग के। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज़ इट यूज़फुल इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है और एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं इसमें किस तरीके से ये हेल्प करता है? तो देखिए जो जेनेटिक मैनिपुलेशन है ना, देखिए हमारी सबकी बॉडीज़ में जीन्स होते हैं। तो हमारे हम अपने जीन्स कहाँ से लेते हैं? हमारे पेरेंट्स से आते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के जो जीन्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स से आते हैं। अगर हम उन जीन्स को चेंज कर दें किसी तरीके से, उन जीन्स को बदलने की कोशिश करें, तो वही होता है जेनेटिक मैनिपुलेशन। और एग्रीकल्चर में किस तरीके से ये हेल्पफुल होता है? ब्रीड अच्छी हो जाए इसलिए जेनेटिक मैनिपुलेशन किया जाता है। ब्रीड का मतलब होता है जैसे कि पहले एक आम का पेड़ है, उसमें सपोज़ करिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पूरे सीज़न में 1000 आम आते हैं। अगर हम जेनेटिक मैनिपुलेशन कर दें तो
उसकी फसल हम अच्छी कर देंगे तो क्या होगा, 1000 के बजाय हो सकता है डबल हो जाए, 2000 आम आने लगे एक सीजन में, इस तरह से। तो अब देखते हैं आंसर। जेनेटिक मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस वेयर जीन फॉर अ पर्टिकुलर करेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड अ क्रोमोजोम ऑफ अ सेल। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन में क्या करते हैं, जीन को, जीन एक ऐसा चीज़ होता है जो हेरिडिटरी हमें बताता है कि कहाँ से आई है, और करेक्टर्स हमारे अंदर, हमारी हाइट क्या होगी, हमारी बॉडी का कलर कैसा होगा, हमारे फेशियल फीचर्स कैसे होंगे, आदतें कैसी होंगी, ये सब जीन्स बताते हैं। और सिमिलरली ये प्लांट्स में भी होता है। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्टिकुलर जीन या फिर एक करेक्टर जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है सेल के क्रोमोजोम में। व्हेन अ जीन फॉर अ पर्टिकुलर करेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्लांट सेल अ ट्रांसजेनिक प्लांट इज प्रोड्यूस्ड। तो जब जीन कि एक पर्टिकुलर करेक्टर की, भाई इसमें फसल, इसका जो आम है ना वो ज़्यादा मीठे होंगे, ये वाला इन्होंने सपोज करिए जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ऐसे प्लांट्स को हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलने लगते हैं। ट्रांसजेनिक का क्या मतलब होता है, इसमें जीन बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया है और अलग अलग टाइप के जीन सब इस प्लांट में मिल रहे हैं, तो वो ट्रांसजेनिक क्रॉप हो जाएगी। दीज ट्रांसजेनिक प्लांट्स एग्जिबिट करेक्टर गवर्नड बाय न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जीन। तो नया इंट्रोड्यूस्ड जो जीन है, अब ट्रांसजेनिक जो प्लांट है वो उस प्रॉपर्टी को भी दिखाने लगेंगे, है ना। मतलब पहले वो नॉर्मल प्लांट था, अब उसमें एक अच्छा जीन उन्होंने इंसर्ट कर दिया कि अब इसमें आम ज्यादा उगेंगे, तो वो ज्यादा उगने वाली प्रॉपर्टी क्या है, वो नए जीन को शो कर रही है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। लेट अस अज्यूम देयर इज अ वाइल्ड प्लांट दैट प्रोड्यूसेस स्मॉल फ्रूट। वाइल्ड प्लांट है, जंगली पेड़ है जो छोटे फ्रूट उगाता है। इफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्जर फ्रूट इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्लांट, प्लांट बिकम ट्रांसजेनिक एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लार्जर फ्रूट। तो अगर एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जो बड़े फल उगाने लगेगा, बड़े फल उगाने वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब उस पेड़ पे बड़े फल उगने लगेंगे, तो वो ट्रांसजेनिक वो हो जाएगा पेड़। सिमिलरली जीन्स पर हायर ईल्ड, ईल्ड अच्छी हो, उपज ज़्यादा है, मैंने कहा ना 1000 के 2000 हो जाएं, और डिजीज़ बीमारियों से बचा रहे, ऐसे भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन प्ले करती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल एग्रीकल्चर में, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने में और फूड सिक्योरिटी। इट ऑल्सो इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स क्वालिटी एंड ईल्ड ऑफ क्रॉप। तो फूड सिक्योरिटी मतलब खाना खराब ना, फूड सिक्योरिटी का देखिए ये मतलब होता है कि हर किसी को उतना खाना मिले जितनी उसे ज़रूरत है, ये फूड सिक्योरिटी है। तो फसल ख़राब नहीं होगी, ज़्यादा उपज होगी, ज़्यादा अनाज पैदा होगा, तो वो फूड सिक्योरिटी होगी ना, उससे इंश्योर सबको खाना मिल पाएगा। इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाएगी, ऐसे जीन्स डाल दीजिए जिससे बीमारियों का असर ना हो उस प्लांट पे। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है आप बना सकते हैं एक नया जीन इंसर्ट करके किसी पर्टिकुलर प्लांट में, और नया जीन उस पर्टिकुलर प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लूजेस अकर। तो स्टोरेज ग्रेन, सॉरी लॉसेज अकर, जो स्टोरेज ग्रेन है, स्टोरेज ग्रेन का मतलब होता है जो ग्रेन है, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, जैसे कि गेहूं चावल। तो गेहूं चावल उग गए खेतों में, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसको स्टोर करती है एक पर्टिकुलर, वो होते हैं ना जैसे कि आप कह सकते हैं गोदाम होते हैं, उसमें इस फसल को स्टोर किया जाता है। अब स्टोर करने से क्या नुकसान होते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज आर। किस किस वजह से जब ग्रेन को स्टोर किया जाता है तो वो ख़राब हो जाती है, कैसे हो जाती है। तो देखिए, एबायोटिक फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर जो कि ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंड टेम्परेचर। तो देखिए, मॉइस्चर्स की वजह से हर चीज़ क्या होते हैं, मोस्टली चीज़ें ना अगर किसी चीज़ में नमी आ जाती है तो वो ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा आपके घर में सारे आप लोग डब्बे बंद करके रखते हैं, एयर टाइट जार्स लेके आते हैं ताकि नमी ना जाए चीज़ में, क्योंकि किसी चीज़ में जब नमी आ जाती है तो वो ख़राब हो जाती है। हवा से नमी आ जाए या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, गर्मी होने से भी चीज़ें सड़ जाती हैं। तो जो ग्रेन्स, जो फसलें स्टोर की होती हैं ना गोदामों में, वो इन तीन चीज़ की वजह से ख़राब हो जाती है, इनको हम एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। बायोटिक का मतलब जिसमें जान होती है, एबायोटिक का मतलब जिसमें जान नहीं होती। तो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सब में जान नहीं होती, इनको हम एबायोटिक कहते हैं। बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि इंसेक्ट, रोडेंट, बर्ड, माइट, बैक्टीरिया, तो जानवर ख़राब कर देते हैं, जैसे चूहे आ जाते हैं, इंसेक्ट्स, बाकी दूसरे कीड़े आ जाते हैं, बर्ड्स खा जाती है, माइट, दीमक वगैरह लग जाता है, और कुछ बैक्टीरिया फैल जाते हैं, उसकी वजह से स्टोर्ड फसल जो है वो ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। तो पशुपालन जो होता है, जैसे गाय भैंस पाल लेना, मुर्गी पाल लेना, फिशेस पाल लेना, है ना, तो एनिमल्स पालने से फार्मर्स को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचता है। तो इसका आंसर है,
कैटल फार्मिंग इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री दैट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स. तो कैटल फार्मिंग का मतलब है, कैटल फार्मिंग क्या होता है, कैटल्स क्या होती हैं, दूध देने वाले, दूध जो जानवर देते हैं जैसे कि गाय भैंस, वो हम उन्हें कैटल कहते हैं. तो कैटल्स को पालने से काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी प्रॉफिटेबल मेथड है जिससे फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है. यूजिंग दिस बेटर ब्रीड्स ऑफ ड्रॉट एनिमल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. सच ड्रॉट एनिमल्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चर फीड फॉर लेबर वर्क सच एज कार्टिंग, इरीगेशन, टिलिंग एक्सेट्रा. तो वो मतलब दूध निकालने के भी काम आ जाते हैं और इन एनिमल्स को हम लोग खेतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. काऊ डंक जो है वो नेचुरल मैन्योर का काम करता है, खेतों में डाल देते हैं काऊ डंग, यूरिन, फिर हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं. तो इस तरीके से फार्मर्स उनको फार्म में भी यूज़ कर सकते हैं और उनसे पैसे भी कमा सकते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये देखिए आ गए. बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग, गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन बी प्रोड्यूस. कैटल फार्मिंग करेंगे, जानवरों को पालेंगे तो दूध मिलता रहेगा अच्छा. ड्रॉट लेबर एनिमल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर एग्रीकल्चर वर्क. तो जैसे कि जो बैल होते हैं, ड्रॉट लेबर हो गए, जैसे कि बैल होते हैं उसको हम खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं. न्यू वेराइटी दैट आर रेजिस्टेंट टू डिसीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग टू वेराइटीज़ विद अ डिज़ायर ट्रेड. तो नई वेराइटी जो है रेजिस्टेंस टू डिसीज़, ऐसी वेराइटी मतलब प्लांट्स की, सॉरी यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है, एनिमल्स की ऐसी वेराइटी जिनको डिसीज़ ना लगे वो भी हम लोग बना सकते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन करके, है ना. तो उससे क्या होता है कि जो ऐसी ब्रीड्स पैदा कर सकते हैं जिनको जो बड़ी हों, जो ज़्यादा काम कर पाएँ, ज़्यादा दूध दे पाएँ और जिनको बीमारियाँ भी कम लगें. तो ये फ़ायदे हैं कैटल फार्मिंग के. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज़ कॉमन इन पोल्ट्री फिशरीज एंड बी कीपिंग. अगर हम इंक्रीज़ करना चाहें प्रोडक्शन को, पैसे को, या फिर जो उपज कर रहे हैं उसको, तो पोल्ट्री होता है मुर्गी पालन, फिशरीज़ जो है वो होता है मछली पालन, बी कीपिंग होता है मधुमक्खी पालन जिससे शहद बनता है. इससे हम लोगों को प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो देखिए कॉमन फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन पोल्ट्री फिशरीज एंड बी कीपिंग इज प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट आर टू बी फॉलोड. तो पोल्ट्री में, फिशरीज में, बी कीपिंग में हम लोग प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स, हम लोग सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करें. रेगुलर क्लीनिंग ऑफ फार्म्स इज वन ऑफ द अपमोस्ट इंपॉर्टेंस. मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रिजर्वेशन एंड क्योर ऑफ डिजीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंक्रीज नंबर ऑफ एनिमल्स. तो नंबर ऑफ एनिमल्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मैनेजमेंट करें भाई, सही तरीके से उनको रखें, उन फार्म्स जो हैं जिनमें उनको रखा गया है वो सही तरीके से साफ़ सफाई हो उनकी, और जो डिसीज से उनको बचा सके, बीमारियां ना लगें जानवरों को, इस बात का ध्यान रखा जाए. और इससे क्या होता है कि हम लोग एनिमल्स का नंबर बढ़ा सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारियां लगने से, उनके खाने पीने का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए. तो हम लोग बी कीपिंग, पोल्ट्री और फिशरीज़ में फ़ायदा जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं, इनके मक्खी पालन को और मुर्गी पालन वगैरह. तो इसमें क्या है, हम लोग को साफ़ सफाई रखनी है, मैनेजमेंट रखना है और इनको डिसीज़ से बचाए रखना है, तो हम इनको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरी कल्चर एंड एक्वाकल्चर. तो देखिए सबके सब ये फिशेस से रिलेटेड होते हैं, मगर इनमें अंतर क्या क्या होता है वो हमें देखना है. बस लास्ट क्वेश्चन है, हो गया हमारा बस. तो कैप्चर फिशिंग होता है इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेस फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. कैप्चर करने का मतलब होता है पकड़ना. तो अगर आप समुद्र से जा कर के, नदियों से जा कर के मछली पकड़ रहे हैं तो उसको आप कैप्चर फिशिंग कहेंगे, और इससे आप लोग नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि नदियाँ और समुद्र ये तो इंसान का तो है नहीं, तो नेचर ने बनाया है. तो जब नेचर की बनाई हुई चीज़ों से आप मछली पकड़ते हैं तो उसे कैप्चर फिशिंग कहेंगे. मैरी कल्चर होता है, इट इज़ अ कल्चर ऑफ मरीन फिशेस फॉर कॉमर्शियल यूज़. मरीन फिशिंग, मैरी कल्चर होता है कॉमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब बेचने के लिए जब हम लोग मछली पालन करते हैं तो वो मैरी कल्चर होता है. एक्वाकल्चर होता है इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स फॉर हाई इकोनॉमिक वैल्यू सच एज प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, फिशेज एंड क्रैब्स. एक्वाकल्चर में आप सिर्फ फिशेज ही नहीं पालते हैं, आप समुद्र के या पानी के दूसरे जानवर भी पालते हैं, जैसे प्रॉन्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, फिशेज, क्रैब्स, इनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, बहुत ही महंगे बिकते हैं. तो एक्वाकल्चर में आप और भी स्पीशीज़ को पालते हैं, मैरी कल्चर में आप मछली पालन करते हैं घर में, और कैप्चर फिशिंग में आप समुद्र से, नदियों से जाकर के मछली को पकड़ते हैं. तो ये हमारे चैप्टर का पूरे क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन हो गया है. आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा. थैंक यू.